नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। फरुखाबाद बदायूं मार्ग पर गांव चित्रकूट के पास डिप पर 2 फीट पानी बह रहा है, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शमशाबाद क्षेत्र में गांव चौरा के पास दूसरे दिन भी शाहजहां मार्ग पर 2 फीट पानी बहता रहा। इसके अलावा कटरी तौफीक गांव से रूपपुर मंगलीपुर मार्ग पर भी 1.5 फीट पानी बह रहा है। आज गंगा का जलस्तर बुधवार को 137.00 मीटर पर स्थित रहा। ये खतरे के निशान से 10 मीटर दूर है। जनपद के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। स्कूल में पानी भर गया है। सबसे अधिक समस्या मवेशियों के लिए चारे की हो रही है। आज सुबह गंगा में नरोरा बांध से 92,084 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिजनौर से 64,074 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हरिद्वार से 81,229 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसमें बुधवार को गंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। पंचाल घाट पर बांध के उस पार तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा पार में गंगा नदी का पानी ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ाए हुए है। चित्रकूट गाँव के नजदीक गंगा नदी का पानी बढ़ाई रोड पर चलने लगा है, जिस तेजी के साथ पानी चल रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो आवागमन इस ओर से बंद हो जाएगा। ग्रामीण बढ़ते जलस्तर को लेकर परेशान है। बिरिया डांडा, साधु सराय, ढाई घाट, पश्चिम क्षेत्र, तमेजीपुर चितार, पैलानी दक्षिण, कमथरी, तटपुर कैलियाई, गुटेटी दक्षिण, चौराहार गांव में गंगा नदी का पानी घुस चुका है। इसके चलते यहां के लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है। जटपुरा, कैलाई, कमथरी तथा नया सैमचीपुर चितार गांव के लोग नाव से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। तहसील सदर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। कटरी, धर्मपुर, पंखियान की मड़ैया गंगा नदी के नजदीक आ रहे हैं। गयादीन की मड़ैया, कुंटा की मड़ैया, वीर सहाय की मड़ैया, ठटा की मड़ैया, टोली की मड़ैया, पृथ्वीपुर, मातादीन की मड़ैया, शिकारपुर, छोटी गुलरिया, पहाड़पुर, धुर्रा की मड़ैया, बिलाबलपुर, हैवतपुर, गड़िया में तेजी से बढ़ते पानी को लेकर ग्रामीण बेचैन हो रहे हैं। नदी के तेज बहाव के चलते आधा कट चुका है। दूसरे 2 गांव में भी कटान तेजी से साथ शुरू हो गया है। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। तुम्हारा आपका क्या नाम है? मुनीर। ये क्या मामला है, कितना पानी आ गया है? सब भरा भरा ही हुए हैं भैया, सब भरा हुआ। नहीं, कितने दिन से बाढ़ आई आपके गाँव में? 10 दिन से आ गई होगी बाढ़। 10 दिन से बाढ़ आ गई। आप लोगों को खाने पीने का क्या इंतजाम है, कैसे क्या करती हैं? प्रधानी को करना चाहिए। हाँ। प्रधानी कुछ करे, मतलब जनता ना बोल पा रही। जब भी छोड़ो ना। चलो ठाकुर, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? निशा। कौन सा गांव है, कहाँ रहती हो? कौन से गांव में रहती हो? धर्मपुर कटरी। क्या समस्या, कितने दिनों से आपके गांव में बाढ़ आई आपके? 1 महीने से पानी भरा हुआ है। ना तो प्रधान सुने, ना सेक्रेटरी सुने, ना लेखपाल सुने, शायद मीर अब वो सुरेश चंद है वो भी नहीं सुनते। आए थे एक बार, कहते कुछ नहीं है तुम्हारे गांव। इस गांव में कितने मकान बने हुए हैं, कितनी मंडियां पड़ी हुई हैं? कुछ तो विकास बने हुए हैं, बहुत सी मंडियां पड़ी हुई हैं। लगभग कितने मकान होंगे पूरी गांव में? कितने लगभग कितनी गांव में कितनी आबादी होगी? 200 बने हुए तो 200 घरों सब में पानी भरा है। हाँ, सब में पानी भरा हुआ है। अच्छा, अभी जिले का कोई बड़ी सरकारी मौके पे आया आज तक? नहीं, आज तक विधायक सांसद आए ना वो देखो रे मेजर आए, मतलब ना मेजर आए ना वो सांसद आए, यहाँ अधिकारी कोई बच्चा ही नहीं आया। तो इसीलिए आज आप लोग तहसीलदार आए ना कहानी कोई आए, इसीलिए आज आप लोग घर छोड़ने को मजबूर हो? इसीलिए हम लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं भैया। जाए तो जाए, कहाँ जाए, पानी में गिरे क्या? खाना पीने कहाँ बनाती हैं? खाना पीना बच्चे भूखे हैं, कुछ भूखे मर रहे हैं। अब एक पुलिया के पास एक मिट्टी भी हो गई, उनको तक नहीं देखने आए। बड़ी मुश्किल हम सूचने करी तो क्या बाढ़ के पानी में डूब के बाढ़ के पानी में डूब गया। समस्याएं यहाँ गलत हैं भैया, बहुत आदमी बहुत परेशान है। और एक तो खेती टपरिया भी नहीं, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए, कौन से गांव से? ये आपके गांव बाढ़ आई है काफी दिनों से? गांव कटे थे, पूरे गांव कट रहे। तो आप लोग घर भी चले गए होंगे? आप इस पानी से निकलने कितना बड़ा खतरा है? अभी तक जिले के अधिकारी कोई यहाँ मौके पे आए, या विधायक या प्रतिनिधि कोई? कोई हमारी कोई गांव की सुनता ही नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ जा रही हैं इस समय? अब बाजार जा रहे, हमारे लल्ला की चोट लग गई। तो इस पानी से गुजर के जाना पड़ रहा है आपको? किसी अधिकारी ने अभी तक सोच नहीं ली? कोई नहीं ले तो R9 भारत के लिए दीपक शुक्ला की रिपोर्ट फारुखाबाद से।
जमीनी विवाद में दबंगों ने की मारपीट। दबंग ईंटों का चट्टा लगाकर निकास कर रहा था बंद। ईंटों का चट्टा लगाने से पीड़ित ने दबंगों से किया मना, लेकिन दबंगों ने मना करने पर युवती के साथ मारपीट कर दी। युवती के परिजन मौके पर पहुंचे। दबंगों ने युवती के परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट से 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। चारों को उपचार के लिए CHC भेजा गया। थाना नवाबगंज क्षेत्र के पहाड़पुर गाँव का मामला है। R9 भारत के लिए फरुखाबाद से रिपोर्ट। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। युवक खेत में गया था मवेशियों के लिए चारा लाने। युवक मवेशियों के लिए चारा काट रहा था। चारा काटते समय दबंग हुए हमलावर। दबंगों ने युवक को लाठी डंडों व धारदार हथियार से मारपीट कर किया लहूलुहान। मरणासन्न अवस्था में युवक को छोड़कर दबंग हुए फरार। सूचना पर परिजन खेत में पहुंचे। युवक को CHC में कराया भर्ती। थाना कंपिल क्षेत्र के धर्मपुर गाँव का है मामला। सर एक जो है एक फोटो व वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जो हाथ में कट्टा लिए हुए जो दहशत फैलाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्या अभी तक मतलब उसको संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये जो प्रकरण है ये भोगी नगला जो गाँव है इसका मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में, तो वहाँ का ये प्रकरण है। इसमें जो है अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया है अपने इस कट्टे के साथ और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। R9 भारत के लिए फरुखाबाद से रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में परौर पुलिस ने लगभग 2 करोड़ रुपए की चरस के साथ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 कार भी बरामद की गई। पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्करों से कड़ाई से पूछताछ करने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर अग्रिम कार्यवाही करने की बात कह रही है। दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक S. आनंद के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना अध्यक्ष परौर संजय कुमार राजपूत ने मुखबिर की सूचना पर लगभग 2 करोड़ रुपए कीमत की चरस के साथ 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 1 कार, वसीम मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। थाने के पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्करों से गहन पूछताछ करने में जुटी हुई है। वही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव वाजपेयी का कहना है कि जो भीतर से निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। थाना अध्यक्ष परौर को सूचना मिली थी कि एक अभियुक्तों का गैंग है जो चरस बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर चेकिंग की कार्रवाई करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अभियुक्त बदायूं के रहने वाले हैं। इनसे 1 असेंट कार, 3 मोबाइल फोन और 1 किलो 170 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये चरस इन्होंने आंवला बरेली से खरीदी थी और पहले भी इस तरह से ये लोग बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में चरस का को बेच चुके हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का पता लगा के अन्य जो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा सप्लाई की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट शाहजहांपुर से। यूपी के हमीरपुर जिले के जिला कलेक्ट्रेट में आज जिले के सभी ग्राम प्रधान मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और 11 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों की मुख्य मांग है कि सामुदायिक शौचालय का पूरा कार्यभार ग्राम प्रधानों को सौंपा जाए और इस वर्ष गांव में पेयजल व्यवस्था, विद्यालय संबंधी कई बिलों का भुगतान प्रधानों से किए जाने का नया प्रावधान किया गया, जिसमें प्रधानों को मिलने वाला बजट कम पड़ रहा है और गाँव के विकास कार्य में बाधा होगी। ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के पावर बढ़ाए जाए। साथ ही ग्राम प्रधानों का वेतन 3500 रुपए दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 15000 करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले और प्रधानों की ग्राम पंचायतों की समस्याएं हैं, उन 11 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से यह है कि जो सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं उनका 9000 रुपये प्रति महीना उनमें समूहों को देने का आदेश हुआ। यदि गांव पंचायती व्यवस्था करे तो बहुत कम खर्चे में हो जाएगी। अगला बिंदु है कि स्कूलों का जो विद्युत बिल है और टंकी का पेयजल का जो विद्युत बिल है वो सब गांव पंचायत को भुगतान करने का आदेश दे दिया। जब इसमें सब धन चला जाएगा तो हम कहां से निर्माण कराएंगे? कायाकल्प में सारा धन जा रहा है। स्कूलों की बाउंड्री वगैरह को आदेश कर दिया। गाँव समाज की परिसंपत्ति है, वो हमारी शिकायत करने पर प्रधान की उसको अतिक्रमण पुलिस नहीं रुकवाती, कहते हैं SDM से आदेश लाओ, जब तक आदेश आएगा तब तक वहाँ अतिक्रमण हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। अरे ये 2 लाख रुपए में क्या होता? गांव सभा को 2 लाख रुपया स्वीकृत करने का पावर है, 20 लाख रुपया का कार्य स्वीकृत करने का पावर होना चाहिए। मानदेय प्रधानों का 3500 रुपया है, 3500 रुपया मानदेय यानी जो लेबर रेट से भी कम है। कम से कम 15000 रुपया मानदेय होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। उतने झगड़े इनके नहीं होंगे विधायक सांसद के जितने प्रधानों के होते हैं। शस्त्र लाइसेंस का एक शासनादेश है
की प्रधानों को यथाशीघ्र गुणदोष पर दिया जाए, लेकिन उसमें आज तक उसका अनुपालन नहीं हो रहा, समय सीमा नहीं है, लटके पड़े रहते हैं। ऐसी हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित आज ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया है। उसमें हमारे पूरे जनपद के हर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के संगठन के पदाधिकारी ये सब आए हैं। आप कुमारी यीशु राजपूत हैं जो प्रधान संगठन की जिला, कुमारी यीशु राजपूत और ग्राम प्रधान संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ। और आज हमारे राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा जो हमारे ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रधानों की समस्याएं हैं तथा हमारे जो अधिकारों में कटौती हो रही है उससे उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय मांगों को की घोषणा की गई है। और हम आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारी 11 सूत्रीय मांगों का, जैसे कि सामुदायिक शौचालय जो कि ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्मित किया गया था, उनका जो सफाई व्यवस्था का कार्य है वो स्वयं सहायता समूहों को दिया गया है, जिसमें 9000 की धनराशि ग्राम पंचायत के कोष से दी जाती है। हम इसमें ये चाहते हैं कि जो ये 9000 की धनराशि दी जाती है इसकी कटौती की जाए, साथ ही ये आदेश वापस लिया जाए और जो भी ये कार्य है वो ग्राम प्रधानों को। इस R9 भारत के लिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट हमीरपुर से। हमीरपुर जिले यमुना और बेतवा नदी में बाढ़ के पानी का आना शुरू हो गया। बांधों से छोड़े गए पानी से दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, फिर भी प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए बाढ़ चौकियां बनवाना शुरू कर दिया और बाढ़ के रेड अलर्ट में आने के गाँव में चौकसी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में इन दोनों नदियों में बाढ़ का आना शुरू हो चुका। हमीरपुर मुख्यालय को दो नदियां यमुना और बेतवा 1 किलोमीटर के दायरे में घेरे हैं। बेतवा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अभी 96 है, जबकि 105 का जलस्तर जिले में खतरे के निशान पर रखा गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ राहत को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चौकियां बनाई, जिनके द्वारा 24 घंटे नदियों के जलस्तर की नाप कर जानकारी दी जाएगी। पिछले वर्षों तक आने वाली बाढ़ के अनुमान के अनुसार सभी शहर की बस्तियों को बाढ़ से कोई खतरा नहीं होने वाला है। फिलहाल प्रशासन नदियों के किनारे बारी और खेती करने वाले लोगों को अलर्ट कर नदियों के किनारे से हटने की चेतावनी दे चुके हैं। हमीरपुर जिले में मटराया बाढ़ का खतरा। यमुना और बेतवा नदी उफान पर, यमुना नदी का जलस्तर 100 के पार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी और SP ने किया स्थलीय निरीक्षण। 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से होंगे प्रभावित। जिला प्रशासन ने शुरू किए बाढ़ से बचाव और सुरक्षा के उपाय। और यमुना में बढ़ते हुए जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए उन सभी तैयारियों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है जो आगे आवश्यकता पड़ सकती है। क्षेत्र का भ्रमण कर लिया गया, ये सुनिश्चित कर लिया गया कि कस्बे में या आसपास के गांव में पानी अगर बढ़ता है तो हमको वहां क्या क्या व्यवस्था की जाएगी। ड्रेनेज के लिए दोनों तरफ 4-4 पंप लगा दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को भी जागरूक कर दिया गया है, इसमें फोर्स को भी सतर्क कर दिया गया है कि कहीं से भी कोई सूचना मिलती है, किसी को अगर कोई खाना बनाने में परेशानी है कि आग नहीं जल पा रहा है, उसके लिए प्रबंध कोई चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करना चाहता है तो वहां टीमें भेजी जाएंगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी अपने सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और निरंतर भ्रमणशील रह करके हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि यहाँ पे लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। R9 भारत के लिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट हमीरपुर से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।